गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जानेंगे किसी भी सेलिंग फैन का कॉमन वायर कैसे पता करें। आप में से बहुत दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था, तो मैं आज उसी पे वीडियो दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा लीजिए। आप मीटर से भी कर सकते हैं और कंटिन्यूटी टेस्टर से भी कर सकते हैं, पर मीटर वाला ज्यादा परफेक्ट होता है क्योंकि कंटिन्यूटी टेस्टर में आप लाइट की इंटेंसिटी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, तीन लेग है। एक बात पे आप गौर करिएगा, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि जिस एक वायर से शेष दोनों वायर का अंतर मिनिमम आए, कम से कम आए, वही वाला वायर होगा कॉमन वायर। मैं करके दिखाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आप कंटिन्यूटी में लगा लिए किसी एक तार पे। मान लीजिए मैं पीले वाले पे पकड़ता हूं, एक लगा दिया, बाकी ये दोनों बच रहा है। तो देखिए, यहां पे लगभग 150, यहां पे लगभग 350, दोनों का अंतर 200। यहां पे आइए, 150 और 200, दोनों का अंतर 50। यहां पे आइए, 350 और 200, लगभग 150। इसका मतलब ये वाला वायर आपका कॉमन वायर होगा, क्योंकि यहीं से अंतर जो है सबसे मिनिमम आ रहा है। तो आप जब भी कनेक्शन करें, जो भी इनपुट एसी लीड है, जो भी आपका सप्लाई आएगा इस पंखे के लिए, एक तो यहां दे दें, अलग कर दे इसको, बाकी दूसरी जो है, ठीक है, दूसरी देने के लिए सबसे पहले आप कैपेसिटर पे जोड़ सकते हैं दोनों लेग। उससे पहले आप यहां का रीडिंग देख लीजिए, एक में 150, दूसरे में 200। इसका मतलब ज्यादा वाले में आप दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ हो गया, और इस दोनों को इस दोनों में ही जोड़ दीजिए। कॉमन वायर जो था वो बिल्कुल अलग रहेगा, कैपेसिटर का कनेक्शन इसी दोनों में होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ लगाते हैं फैन उल्टा चलता है, तो आप इसको सिर्फ इस दोनों को यहीं रन दीजिए, इसको निकाल के यहाँ लगा दीजिए, फैन फिर सीधा चलने लगेगा। हालांकि मैंने रीडिंग चेक करके लगाया, ज्यादा रीडिंग है तो फैन यहीं पे सीधा चलना चाहिए। आप चेक करें तो संभवतः टेपिंग कर दें इसको, तब चेक करें, और मैं ऐसे ही सुरक्षित तरीके से कोशिश करता हूं चेक करने का। देखिए, देख पा रहे हैं फैन सही दिशा में रोटेट कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगले